संख्या 9 कहता है, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। सभी को जय यीशु। मेरा नाम एग्नेस विलियर है और मैं सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च की सदस्य हूँ। आज मैं अपने कुछ युवा भाई बहनों के साथ आपके लिए एक टॉक शो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने युवा भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। हमारे इस टॉक शो का विषय है वर्तमान युवा। आइए पवित्र बाइबल के कुछ वचनों पर हम इन युवाओं की सोच को अपने साथ शेयर करेंगे। रोमियो के नाम अपने पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हम सेलेस्टिना से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन वचनों पर वो अपने विचार रखें। अगर तू कहता है कि एक फुटप्रिंट है तो तू मेरी गोदी में है,
मैंने तुझे उठा था मेरे फुटबॉल से, तेरे नहीं थे, मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। एक इंसिडेंस अपनी लाइफ का, अभी लेटेस्ट इंसिडेंस है, मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरी मॉम को सीवियर निमोनिया हो, सीवियर निमोनिया इस सीजन में अगर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो सारे डॉक्टर्स ने तो मतलब बोल दिया था कि ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट हम लोग ने मेरे मेरे डैड ने प्रेयर करी। एक डॉक्टर हम लोग का फैमिली डॉक्टर था, उसने ट्रीटमेंट किया, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, धीरे धीरे करके रोमा क्योर करती है और आज का दिन है कि वो चल सकती है, बोल सकती है, सब कुछ नॉर्मल है। तो दिस इज माई गॉड्स ग्रेस। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी हमारे साथ नहीं था इस फेज ऑफ टाइम में, इस फेज ऑफ लाइफ टाइम में कोई भी हमारे साथ नहीं था, केवल अगर मैं कहूँगा तो खुदा हमारे साथ था बस। तो मैं बस यही चीज आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है। एक इंसान है, एक एक शख्स है, एक फ्रेंड है जो हमारे साथ हमेशा रहता, हमें देखता रहता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मन में एक क्वेश्चन है, जब इस स्टेज पे रोजा इस सप्ताह का किस सप्ताह का ऑब्सेस चल रहा है मैं आपसे पूछूं। इस स्टेज पे एक्चुअली क्या कह सकते हैं कि मतलब बहुत से बच्चों में होता है, वो भी मेरे अंदर भी था, सबको देखना कि हाँ सब बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती थी कि मतलब मैं उनसे अलग हूँ या मुझ में कोई कमी है जिस वजह से मैं वो चीज नहीं कर पा रही। बहुत ही एक कहते हैं एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी आसपास, मतलब जो हमारे कमी सब लोग कहते हैं, और जो फ्रेंड्स थे जिनको कहते हैं जिनको लोगों से ऑलरेडी इतना मतलब प्रेज मिलता है, तो उनका एक वो उन्हें कुछ घमंड आ जाता है कि वो अपने आस पास जो और होते हैं उनको उस तरीके से पूछते नहीं। मुझे वो फीलिंग कहीं ना कहीं आती थी और मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई थी कि ये अपना जो फियर है ये मुझे खुद से ही बाहर निकालना, मुझे ये खुद से लड़ना पड़ेगा, कोई किसी और का साथ नहीं मांग सकती मैं, क्योंकि जब तक मैं खुद से नहीं लड़ती तब तक मैं इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आता। बस मुझे एक चीज़ पता थी कि जो एक व्यक्ति जो एक शख्स जो मेरे साथ हो सकता है इसमें जरूर होगा वो है मेरा परमेश्वर। अच्छा एक और क्वेश्चन है ऐसे आपसे, आपने बोला था कि जब आप बीच में चल रहे थे ऐसे सपना देख रहा था, तो क्या आपने सपने में कभी ये सोचा था कि आपको परमेश्वर सपने में दर्शन देंगे। बात ये थी कि उस टाइम में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा, अगर कहते हैं ना कि जब आप सब छोड़ देते हैं आपको तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं आप, तो वही फेज था लाइफ का कि उस टाइम सबने फैमिली ने फ्रेंड्स ने और जो भी क्लोज होते हैं ना सबने छोड़ दिया। फिर सोने से पहले मेरी अक्सर आदत है कि हम दुआ करते हैं, सोने से पहले मैंने दुआ करी और तुरंत पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मेरे ड्रीम में वो आया, उसने मुझे सब चीजें बताई कि तू डर नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात अपनी मम्मी पापा से डिस्कस नहीं की होती कि मुझे ये सब होता है, ऐसे प्रॉब्लम होती है? डिस्कस करने की बात अब मैं आपसे कैसे बोलूंगी, बट यही चीज है ना कि मोस्टली हम डिस्कस करते जा रहे हैं, बट अगर हमारा दोस्त एक है उससे उस हम क्या चाहेंगे, एक दोस्त है, सब कुछ एक इंसान है, हम उसी से तो शेयर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल के युग में विश्वास की कमी होती है, तो आइए उसी के ऊपर एक वचन पूछेंगे। सर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17:20 कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो
यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाओ तो वह पहुँच जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हम सबीना से पूछेंगे कि उनका क्या विचार है इस कोर्स को लेकर। मंदी पटसंग्राम की 20वीं ऐड में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास लाइन के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से वहां तक हट जाओ तो वो हट जाए और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हम इस वचन को जब हम देखते हैं, बाइबल से जो देख रहे हैं, तो इसमें लिखा है विश्वास। जिस तरह से अभी हमारे दोस्तों ने बताया सेलेस्टीना और आइज़ैक ने कि उनके अंदर क्या था कि उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन उनका परमेश्वर उनके साथ था। उनका परमेश्वर उनके साथ था, ये उनका क्या था? विश्वास। हम इसमें देख रहे हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई का दाना बहुत ही छोटा होता है, और पहाड़ से कहो कि यहाँ से वहां तक हट जा तो हो जाएगा, ऐसा असंभव है। लेकिन परमेश्वर के लिए ये कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्राइस्ट। जब हम परमेश्वर हमारे साथ हैं, यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम इस बात का विश्वास करते हैं। जिस तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया कि जब वो नाव में जा रहा था अपने शिष्यों के साथ में, तो उन्होंने क्या किया था, आंधी आई, परमेश्वर सो रहा था, यीशु मसीह वहां से सो रहा था, और आंधी आई, उसके शिष्य जो थे वो क्या हुआ, वो घबरा गए, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह देखिए ये क्या हो रहा है, आंधी आ रही है, वो बहुत ज्यादा घबरा गए। तब परमेश्वर ने क्या कहा, विश्वास रखो, और परमेश्वर ने उसी विश्वास से उस आंधी को क्या किया, शांत कर, जबकि उनकी नाव डूबने वाली थी, पानी भर रहा था, उस नाव में पानी भर चुका था है, तब परमेश्वर ने उन्हें उस घड़ी में बचा लिया, विश्वास करना। फिर हम दूसरी चीजों का, इन सब चीजों को हम एक उसमें देख रहे हैं, धुआं में देख रहे हैं कि ये सारी चीजें लिखी हुई, ये सारे दृष्टांत लिखे हुए हैं कि लहू से पीड़ित स्त्री को चंगाई हो। वो स्त्री जो थी वो कितने वर्षों से उस बीमारी में पड़ी हुई थी, और उसके अंदर लेकिन क्या था, सिर्फ एक विश्वास था। उसके अंदर विश्वास था कि यदि मैं उसे वस्त्र ही को छूं, ये उसका वस्त्र इस तरह से अगर वो छू ही लेगी, उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर ये उसके वस्त्र को ही छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी, ये उसके अंदर विश्वास था। और उसने उसके वस्त्र को छुआ, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी और वो क्या हुआ कि वो स्त्री चंगी हो गई। इतने सालों की बीमारी उसकी वो चली। फिर हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछलियों का दृष्टांत जो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसमें से कितने लोगों को खिलाया था, 5,000 की भीड़ को खिलाया था, 5,000 पुरुषों और उनकी स्त्रियां और उनके बच्चे तो और थे, ये नहीं इसमें लिखा है कितने लोग और, लेकिन 5,000 पुरुष, तो सोचिए कितने लोगों के, उनको कितनी रोटियों से खिलाया था, 5 रोटी और 2 मछली, ये इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन इसमें क्या था, विश्वास था। परमेश्वर ने कहा कि वो लाओ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रार्थना करी और उसे टुकड़े तोड़ तोड़ करके फिर खिलाना चालू किया। ठीक नहीं हो सकती, दवाइयाँ चलेंगी, लेकिन क्या हुआ कि उनको वो चल
क्वेश्चन को हम विनोद से पूछेंगे कि उनके जीवन में विश्वास ने कहां तक उनको अपना अनुभव प्रदान किया है। Myself, विनोद अग्रवाल और आज हम बात कर रहे हैं विश्वास की। विश्वास एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसके मायने बहुत है और ये हमारे जीवन बिल्कुल खराब होता है। ये एक शब्द ऐसा है कि जिसको करना इतना जिसको रखना और जिसको करना इतना आसान बात नहीं है। कहा गया है हमारे बाइबल में कि अगर हमारा विश्वास अगर तुम्हारा विश्वास जीवन में काया कर रही के दाने के बराबर भी है और तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से हटकर वहां तक चला जाओ तो वैसा होगा। और ये भी कहा गया है कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है और तुम इस पेड़ से कहो कि अपनी जगह से हटकर समुद्र में लग जाओ तो वैसा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो बाइबल में कभी भी ईश्वर ने छोटी सी चीज को इंडिकेट नहीं किया विश्वास के साथ। विश्वास को एक छोटी सी चीज से बहुत जल्दी इंडिकेट करते थे कि तुम्हारा विश्वास हराई के दाने के बराबर। उन्होंने इंडिकेशन दिया कि विश्वास हराई के दाने के बराबर। हराई के दाना दुनिया में सबसे छोटा दाना होता है लेकिन उस दाने के बराबर विश्वास लेकर उन्होंने इंडिकेट किया है पहाड़ और पेड़ को जिसे हम अपने हाथों से नहीं ढक सकते नहीं हाथों से उठाकर कहीं और नहीं कर सकते। उस चीज को उन्होंने इंडिकेट किया कि अगर तुम्हारा विश्वास उतने से बराबर भी है राई के दाने के बराबर भी है और तुम उस पहाड़ या पेड़ से कहो कि वहां से हटकर दूसरी जगह पर चले जाओ तो वैसा होगा। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा सबको बहुत ही कॉमन न्यूज है ये सबको मालूम है इस बात के बारे में एक नूह की कहानी। नूह के बारे में आपने सुना है। नूह की कहानी है कि जब 40 साल ईश्वर ने बोला कि अब मैं इस धरती को नष्ट करूंगा खत्म करूंगा और नूह को बोला कि तुम एक नाव बनाओ उसमें हर चीज का जोड़ा रहेगा मैं 40 साल ईश्वर पानी बरसाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस बारिश में नूह की नाव 40 दिन तक वहां रही और उस नाव को एक जरा भी खारोच तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर ने कहा उस पर उन्हें विश्वास किया। उसी जगह पर हम ले रहे टाइटैनिक जो 1912 में बनाया गया था उतारा गया था वो बहुत बड़ा जहाज था विश्व का सबसे बड़ा जहाज था। उस टाइटैनिक के लिए जो उसका ओनर था जिसने बनवाया था उसने ये शब्द कहे थे कि अगर आकाश से ऊपर से ईश्वर भी नीचे आ जाए तो वो भी इसे डुबा नहीं सकता। उसने अपने ऊपर घमंड किया उसने ईश्वर को धक्का उसको चेतावनी दी कि भाई तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ईश्वर ने क्या कहा उसकी पहले ही यात्रा थी पहले ही वो निकला था पहली बार और रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो आज तक सिर्फ एक कहानियों में रह गया हिस्ट्री बनकर रह गया एक मिस्ट्री बनकर रह गया। तो विश्वास अगर आपके अंदर है नूह ने विश्वास किया उस बारिश में भी लकड़ी के लोहे से मजबूत होती है कभी नहीं देखा जाए तो लकड़ी लोहे के मुकाबले बहुत ही कमजोर होती है आसानी से टूट जाती है लेकिन विश्वास ईश्वर पे था नूह का लकड़ी के नाव पर दिल्ली को 40-45 साल पानी में रही बराबर देखते थे फिर भी रही ये आटाने की लोहे की बनी थी सिग्नी एक तो देखा जाए तो विश्वास हमारे जीवन में भी होता हमें भी एक्सपीरियंस होता है पर ऐसा क्लियर फील अंदर भी है मैंने भी किया है। मैं बहुत छोटा था पढ़ रहा था तो मुझे बीमारी हुई जिसमें मेरे नर्व्स में ब्लड हो गया था और उसके डॉक्टरों ने बोला भाई ये कभी कुछ नहीं कर सकता ना वो ब्लड क्लॉट कभी हट सकता है और ना ये कभी कुछ कर सकता है। डायरेक्ट हमको इंडिकेशन थी कि आप ये काम नहीं कर सकते टीवी नहीं देख सकते पढ़ नहीं सकते इवन ये तक कहा गया कि मैं मतलब मेरी मामा को बोला गया कल का कभी पढ़ नहीं सकता बट फिर भी मेरे मामा को विश्वास था ईश्वर पे कि हाँ अगर वो है तो चंगाई दुनिया में है अगर वो है तो इंसान चंगे होते हैं उसे विश्वास था उन्हें विश्वास था। तो ये करके उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी मेरे लिए और मैंने भी करी असल की मैंने नहीं करी मैंने भी करी तो मुझे चंगाई मिली। आलम ये हो गया जो दवा मैं ले रहा था उसका ओवरडोज होने लगा मुझे। आज तक की मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टरों ने भी ये कहा कि मेरी लाइफ की मेरी मेडिकल हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा मेडिकल बयान नहीं दिखा जो पूरा सिस्ट जिसके कभी होता कभी क्लासीफाई नहीं होता और मेरा सिस्ट ऐसा क्लासीफाई हुआ था आज मुझे 10 साल से ऊपर हो गया है मुझे कुछ नहीं
आपको संदेह हो जाएगा कि आपने जो मांगा है अरे चलो मिल जाएगा, अगर आप ये सोच लें कि नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा रखा जाएगा तो आपकी कोशिश कभी नहीं मिल सकती। अगर आप ये सोच लो कि आपने जो मांगा है अरे देखते हैं मिलता है कि नहीं, अगर ये सोचेंगे आप तो आपकी सोच, अगर आपने अपने दिमाग में ये सोच रखी है तो आपका विश्वास वहां पर खराब नहीं मिलेगा और आपको कोशिश नहीं मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप विश्वास करते हो जिस चीज को मांग करके, जिस चीज को आप विश्वास करते हो आप दृढ़ रहो उसके ऊपर कि आपको मिलेगा और डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि कहा गया है घटाओ तो आपको बोला जाएगा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, संदेह करोगे तो कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। अगर आपके जीवन में सब कुछ छुपा हो, दुखी हो, आपके मतलब आपको अंदर से लग जाए कि हाँ आप सुख के आने की उम्मीद नहीं है, क्या आपका विश्वास कायम रह पाएगा ईश्वर? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारे लाइफ में दुखी दुख आते हैं तो हम एक तरह से हताश और निराश हो जाते हैं, कहते हैं यार जब कुछ करो हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब कुछ करो हमारा काम बिगड़ ही जाता है। अगर आप देखिए देखने के दो नजरिए होते हैं, अगर आप उस चीज को देखो ये मानो कि अरे ईश्वर ने मुझे दिया, क्या पता मेरे आगे उसने और अच्छा रखा हो, और ऐसा नहीं है कि ईश्वर सिर्फ आपको दुख ही देते हैं। ये भी मैंने सुना है, मुझे बताया भी गया है कि अगर ईश्वर आपको दुख देता है तो सुख और दुख बराबर की मात्रा में देता है, अगर उस सुख ज्यादा नहीं देता तो दुख कम देता। अगर आपकी लाइफ में दुख ही दुख आ रहा है, आपको बिल्कुल लग रहा है कि अरे मैं हर कुछ भी करूँ तो मुझे तो तकलीफ हो रही है, तो आप अगर इस नजरिए से देखोगे कि ईश्वर मुझे सिर्फ तकलीफ देने पर रखा तो आपको लगेगा कि अरे आप विश्वास नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखें कि चलो ईश्वर ने मुझे दिया उसने मेरा एक बार होता बन गया, क्या पता आगे और अच्छे जगह बनते होते, अगर आप ये रखो तो आपके अंदर उम्मीद रहती कि हाँ कभी ना कभी तो आपके साथ अच्छा होगा। तो ये बात होती है कि विश्वास अगर आपको अपने अंदर कायम रखना होता है कि हम आपको जगा सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में हुआ, और सबकी लाइफ में एग्जाम्पल्स होते हैं, हम जगा सकते हैं, हम ये नहीं बता सकता कि आप नहीं आप विश्वास करो आपको ये कभी नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ेगा। विश्वास एक अंधे की चीज़ है, उसे हम सिर्फ बता सकते हैं, महसूस करा सकते हैं और आपको करना खुद महसूस। उसने हर प्रकार के प्रेम से हमको भरा है और उसी प्रेम के अनुभव